Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दो दोस्त थे, ये दो दोस्तों की कहानी है जो सच्ची घटना पे आधारित है। दो दोस्तों का नाम था, एक का नाम था ब्रूनो, एक का नाम था पाब्लो। टू फ्रेंड्स, वन इज ब्रूनो वन इज पाब्लो। दो दोस्त थे, बेरोजगार थे और दोनों ही हार्ड वर्कर थे। बड़े बड़े सपने थे दोनों के, दोनों जिंदगी में कुछ करना चाहते थे लेकिन दोनों के पास कोई काम नहीं था। अचानक एक दिन इन्होंने पेपर में एक इश्तेहार देखा, एक एडवर्टीजमेंट देखा और उस एडवर्टीजमेंट के अंदर एक काम का इश्तेहार था जो वहां के उस एरिया के जो सबसे रिचेस्ट आदमी था, जो वहां का मेयर था, उस मेयर ने उस इश्तेहार को छापा था उस अखबार के अंदर। और वो इश्तेहार का टुकड़ा लेके उस मेयर के पास अगले दिन दोनों दोस्त चले गए, ब्रूनो एंड पाब्लो। अब वो जब दोनों पहुंचे तो उस इश्तेहार में क्या था, उस गांव में जहां वो दोनों दोस्त रहते थे, उस गांव की चोटी पे एक तालाब था जहां पर बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता था। तो उन दोनों को कहा गया कि तुम बाल्टी से भर भर के पानी गांव में लेके आओ, मैं पर बाल्टी आपको 5 रुपए दूंगा। आई पे 5 रुपीज फॉर 1 बकेट ऑफ वाटर। उन्होंने बोला ठीक है सर, कर लेंगे, खाली तो बैठे हैं, मेहनत में तो कमी नहीं है। कितना दूर है? बोले बहुत दूर है, कोई नहीं कर जाएंगे सर, जाएंगे जाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है, एग्रीमेंट आज से चालू, जितना बाल्टी के पानी की बाल्टी लेके आओगे, पर बाल्टी आई पे यू 5 रुपीज। बोला ठीक है सर, नौकरी लग गई, दोनों खुश हो गए। अगले दिन दोनों गए, बाल्टी उठाई और ऊपर तालाब में गए, पानी भरा, नीचे लाया, रजिस्टर में चढ़ा दिया। फिर गए, पानी भरा, नीचे लाया, रजिस्टर में चढ़ा दिया। फिर ऊपर गए, पानी भरा, नीचे लाए, पूरे दिन ऐसा काम किया तो कम से कम 3 से 4 चक्कर उनके लगे, कुछ अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अगले दिन फिर ये दिनचर्या हुई, तीसरे दिन फिर ये दिनचर्या हुई, चौथे दिन फिर ये दिनचर्या हो गई। अब दोनों के पास पैसे आने लग गए, दोनों को मजा आने लग गया, अरे वाह यार तो बड़ा अच्छा काम मिल गया, अब तो जिंदगी अच्छी होगी, फलाना ढिमकाना, और दोनों के सपने बड़े बड़े होने लगे। इस घटना के कुछ समय के बाद जो पाब्लो था उसने ब्रूनो को एक दिन रात में बिठाया। उसने कहा ब्रूनो एक तकलीफ है यार। उसने बोला अब तो सारी तकलीफें खत्म होगी पागल, अब क्या तकलीफ है? उसने कहा ब्रूनो अगर हम मर जाएंगे तो हमें पैसे कैसे आएंगे? उसने बोला मर जाएंगे पैसे कैसे आएंगे? उसने बोला कल हम अगर मर गए दोनों तो हम बाल्टी नहीं ले जा पाएंगे, तो फिर पैसे कैसे आएंगे? उसने बोला तो फिर नहीं आएंगे। उसने बोला अगर हम दोनों में से धीरे धीरे सब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारा पैर काम नहीं करेगा, अभी हम दिन में 4 बाल्टी ला रहे हैं, 2 साल के बाद दिन में 3 लाएंगे, 3 साल के बाद दिन में 2 लाएंगे, लेकिन खर्चा उतना ही होगा, खर्चा हम दोनों का उतना ही होगा, तो फिर तो हमको पैसे धीरे 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 उम्र के साथ पैसे धीरे 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 कम होते जाएंगे। उसने बोला ये क्या बात कर रहा है तू, आज की सोच? उसने बोला नहीं मैं तो कल की सोच रहा हूं, कल क्या होगा? उसने बोला फिर क्या करें? बोला जुगाड़ है। क्या? बोला पाइपलाइन बिछाते, एक बार की मेहनत है पागल। ब्रूनो ने कहा तेरा दिमाग खराब है, पाइपलाइन के लिए पैसा तेरा बाप देगा? और कितनी मेहनत लगेगी, कितना दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा? मैं अगर पाइपलाइन बिछाऊंगा तो मैं आज क्या सिखाऊंगा, मैं कल क्या सिखाऊंगा, मैं परसों क्या सिखाऊंगा, तेरे को तो 3 महीने लग जाएंगे, फिर क्या करेगा? उसने बोला लेकिन आज 3 महीने बाल्टी भर भी लाए और 6 महीने के बाद मेरा पैर टूट गया और ऐसा सोच कि तेरा शरीर खराब हो गया, तब क्या सिखाएगा जिंदगी भर? उसने बोला मैं इतनी इतनी सोचता, मुझे आज की बात कर, मुझे तेरे कोई भी प्लान में इंटरेस्ट नहीं है, तू मेरा दोस्त है, दोस्त रहेगा, लेकिन मैं तेरे साथ। तो ब्रूनो ने बोला पाब्लो को, पाब्लो ने बोला डन। दोनों रात को अपने अपने घर चले गए। ब्रूनो अगले दिन वही बाल्टी भरता और शाम को लाके रजिस्टर में नोट कराता 3, 4, 5, 7। पाब्लो क्या करता, पाब्लो दिन में 4 जहां बाल्टी भर रहा था वहां 1 भरता बस, ताकि उसका जो रोज का खर्चा है वो निकल जाए, बाकी का जो उसका समय था वो पाइपलाइन बनाने में उसने खोपड़ी लगाना शुरू कर दिया। दिमाग लगाता था पाइपलाइन कहां से बिछेगी, कैसे नीचे पिलर खड़ा होगा, कैसे पाइप आएगा, कहां से लाऊंगा, उसने बुद्धि उसकी वहां चलती रही। 25-75 25% काम बाल्टी भरने का करता, 75% काम क्या करता। और धीरे 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 ब्रूनो बहुत अमीर हो गया, क्योंकि ब्रूनो एक दिन में 5 बाल्टी लाता था और पाब्लो एक दिन में। ब्रूनो के घर के आगे गाड़ी आ गई। ब्रूनो ने कहा देख साले हमने तेरे को क्या था, तू गलत दिशा में दौड़ रहा है। पाब्लो के पास पैसे नहीं खाने के, हालत खराब हो गई, ब्रूनो की शादी हो गई, बच्चे हो गए, मस्त हो गया, रोज के पैसे आते थे। लेकिन एक दिन वही हुआ जो होना था, पाब्लो की पाइपलाइन बनके तैयार, पाब्लो की पाइपलाइन बनके तैयार हो गई। अब उसको पानी भरने के लिए ऊपर जाना नहीं पड़ता था, अब उसने पाइपलाइन के बिल्कुल नीचे मुंह के ऊपर एक नोजल लगा दिया, वो नोजल खोलता खट
फट, और पानी पानी पानी, जितना पैसा ब्रूनो ने 5 साल में कमाया था पावलो ने 3 महीने में कमा लिया, जितना पैसा उसने 5 बरस में कमाया था बाल्टियां ढो ढो के वो पावलो ने 3 महीने में कमा लिया। गाड़ी उससे बढ़िया होगी, लाइफ स्टाइल बढ़िया हो गया। अब पावलो सोता था तो भी कमाता था, ब्रूनो बाल्टी लाता था तो ही कमाता था, अब पावलो छुट्टी मनाने जाता था बच्चों के साथ तो भी कमाता था, ब्रूनो की बाल्टी भरती थी तो पैसे आते थे, अब पावलो बीमार था तो भी पैसे कमाता था, पावलो मर जाएगा तो भी पैसे कमाएगा, और ब्रूनो हमारे देश में दुनिया में जब जब बाल्टी भरेंगे तब पैसे कमाएंगे, जिस दिन बाल्टी भरना बंद कर देंगे पैसे आने इन लोगों को बंद हो जाएंगे, चाहे आज वो कितने ही पैसे कमा रहे हो, कितना ही आगे बढ़ रहे हो, कैसे भी काम कर रहे हो। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि दोस्त, आप अपनी जिंदगी में कोई पाइपलाइन बना रहे हैं कि नहीं।